कहाँ जाएं घूमने के लिए, कनाडा जाएं, यूएस जाएं, शेनेगन जाएं या फिर कोई और कंट्रीज जाएं, तो आपको देती हूँ लेटेस्ट टूरिस्ट वीजा अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। कनाडा का टूरिस्ट वीजा बहुत स्मूथली चल रहा है, हाँ, बट रिफ्यूजल्स आ रही है, वीजाज भी अप्रूव हो रहे हैं। कईयों का रिजल्ट जो है वो इवन 10 डेज में, 10 दिन में भी आ जाता है, कईयों का बहुत टाइम भी लग जाता है। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइल कब चेक हो रही है एंड रिजल्ट कब आ रहा है। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका मोस्टली देखा जाता है कि 1 मंथ के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है, बट कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो काफी डिले हो जाती हैं, तो फिर आगे जाके वेब फॉर्म डालना पड़ता है। तो कनाडा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं यूके टूरिस्ट वीजा की। यूके के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट अच्छा चल रहा है। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं यूके टूरिस्ट वीजा, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड प्रॉपर जो चीज देखने वाली है वो ये है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई भी कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं शेनेगन की। शेनेगन वैसे भी जून के मंथ में वैसे भी सबको जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि समर वेकेशन होती है। एंड आपको एक बात बता दूं, अगर आप घूमने जाना चाहते हैं शेनेगन की कोई भी कंट्री, उसके लिए अपॉइंटमेंट पहले लेनी पड़ती है। अगर आपने स्विट्जरलैंड जाना है, हंगरी जाना है, नीदरलैंड जाना है, कोई भी कंट्री में जाना है, इवन चेक रिपब्लिक में जाना है, तो आपको उस अकॉर्डिंग पहले से ही अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अभी भी अगर देखा जाए, चेक करते हैं हम रोज, कुछ जो अपॉइंटमेंट से जल्दी मिल जाती है कंट्रीज की, कईयों के लिए आपको बहुत वेट करनी पड़ती है। सो प्लान पहले से उसके अकॉर्डिंग ही चलें, एंड रिजल्ट्स इसके भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो अभी क्या है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट इसके जो रिजल्ट है इतने ज्यादा कुछ खास नहीं आ रहे हैं, तो आपको अगर थोड़ी देर वेट कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। टूरिस्ट वीजा ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रही हूँ, और ये सेम सिनेरियो है न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड का भी यही प्रोसेस चल रहा है, सो थोड़ा वेट कर लें अगर आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। वेरिफिकेशन कर देती हूँ प्रोफाइल के बारे में। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल है एंड आपकी सैलरी कम भी है, तब भी आपका वीजा अप्रूव हो रहा है, बट बात यह है कि आपने किस हिसाब से अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। कई बार क्या प्रॉब्लम होती है कि फंड्स इकट्ठे डाल के एंड उसके बाद वीजा अप्लाई कर देते हैं, और मोस्टली जो वीजा है वो रिफ्यूज हो जाता है। सो थोड़ा सा अपने प्रोफाइल को मेंटेन करके फिर ही अप्लाई करें तो वो बेटर रहेगा। हमारे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनका फ्रेश पासपोर्ट था, कहीं ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और कहीं पे भी वो नहीं गए थे, बट फिर भी उनका वीजा अप्रूव हो गया होटल बुकिंग पे। आपके जो बैंक स्टेटमेंट होती है ना, आपका बैंक बैलेंस अगर वो 5 to 10 lakhs के इन बिटवीन भी है ना, तब भी आपका वीजा अप्रूव हो सकता है। सो अगर आप सोचते हैं कि आपके अकाउंट बहुत सारे पैसे रख लेते हैं और वीजा आ जाएगा, श्योर नहीं है। सो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, जो बैंक बैलेंस है वो 5 to 6 lakhs, 7 to 8 lakhs इतना चल जाएगा, आपका वीजा अप्रूव हो सकता है। सिंगल का भी वीजा आ जाता है, फ्रेश पासपोर्ट पे आ जाता है एंड होटल बुकिंग पे भी आ जाता है। स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होती, अगर जेन्युइन स्पॉन्सर है तब ही लगाएं। सो ये थे टूरिस्ट वीजा अपडेट्स आपके लिए।